तो हेलो दोस्तों, वेलकम हो गया है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बहुत दिन बाद वीडियो को लेकर आए हैं आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि ओला पार्टी में बैकग्राउंड रिमूव डीपी कैसे लगाते हैं। जो लाइट जलती ना डीपी में बोलते समय, आवाज़ जब तुम लोग बोलते हो तो लाइटिंग जलती, तो उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो चलो बताती हूँ। उसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। आप देख सकते हैं, एक हैगो है, उसका वर्जन है 1.2.3 और ये VPN है 1.1.1, जैसा कि आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, रिमूव बैकग्राउंड, और मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। तो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, आप देख लीजिएगा, प्ले स्टोर से अवेलेबल है, आसानी से मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ ओला पार्टी में मेरा डीपी कौन सा लगा है। तो यहाँ पे मेरी लगी लड़के वाली आईडी है, यहाँ आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको ब्रॉड में जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ अपने ब्रॉड में आ गई हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी आपको डीपी के पीछे बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो हम इसी को हटाएंगे, इसी बैकग्राउंड को हटाएंगे, तभी हमारी डीपी पे लाइट जलेगी। तो चलिए इसका प्रोसेस आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए आगे का प्रोसेस बताती हूँ आपको। जो हमने अभी ऐप डाउनलोड किया था बैकग्राउंड रिमूवर, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मेरे पास ऐप है, इसको मैं ओपन कर लिया है, और यहाँ अपलोड इमेज में क्लिक करके, और यहाँ हमारी गैलरी की जितनी भी फ़ोटो है ना शो करेंगी। तो हमें वो फ़ोटो सिलेक्ट करना है जो आपको ओला पार्टी की डीपी में लगाना है। तो यहाँ पे मैं एक ये वाली डीपी सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ही मैंने डीपी सिलेक्ट कर लिया है, और ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है। तो जब तक ये प्रोसेसिंग ले रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये क्लियर हो गया, इसका बैकग्राउंड हट गया। बैकग्राउंड हटाने के तरीके और भी हैं, वो मैं लास्ट में बता दूंगी, आप गूगल से भी हटा सकते हो। तो यहाँ पे इस फोटो को मैंने कर लिया है डाउनलोड, ये यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे इसको। यहाँ पर डीपी को कर लेना है डाउनलोड, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन से हम लोग को कर लेना है। और अब हम चेक करते हैं कि हमारी डीपी का बैकग्राउंड हटा है नहीं हटा है। तो यहाँ पे देखिए, फुल रिमूव हो गया है बैकग्राउंड। अब चलो आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले करना है VPN ऑन। VPN का वर्जन आप देख सकते हैं 1.1.1, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम कर लेंगे VPN को ऑन, और यहाँ VPN ऑन करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो गया VPN, और अब हम चलते हैं हैगो की दुनिया में। और यहाँ पे ये हैगो का वर्जन आप देख लीजिए, चील वाली आंखों से ये वर्जन आप डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहाँ पे हैगो मैं कर लेती हूँ ओपन, और यहाँ पे मेरी आईडी है जीमेल से। तो मैं यहाँ पे अपनी आईडी जीमेल के थ्रू खोलूँगी, और इसी हैगो में ही आपको अपनी आईडी खोलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट स्लो हो रहा है, VPN कनेक्ट होने के बाद नेट थोड़ा स्लो हो जाता है, यहाँ लोडिंग लेने लगा है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। और यहाँ पे देखिए, स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमें डीपी लगानी है फटाक से। तो यहाँ पे हम नेट ऑफ़ कर लेंगे, और ये कंपलसरी नेट ऑफ़ करना। नेट ऑफ़ करने के बाद ही आप डीपी को चूज़ करेंगे गैलरी से, और जो भी गैलरी में आपके फ़ोटो आ गई है रिमूव, जिसका हमने बैकग्राउंड किया था, हम लोग वो डीपी ले लेंगे। यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जितनी भी आपको चाहिए, मुझे चाहिए इतनी, तो यहाँ पे मैंने इतनी सिलेक्ट कर ली है। वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए मैंने नेट ऑन कर दिया है, और ये भी आपको करना ज़रूरी है, तभी आपकी डीपी लग पाएगी। जैसा जैसा ये मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप भी बिल्कुल वैसा ही आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए डीपी यहाँ पे हमारी लग चुकी है। यहाँ से आईडी ना अपने आप ही हट जाएगी, हैगो में कुछ ही देर के लिए आईडी खुलती है, अब मालूम होगा कुछ लोगों को, और नहीं मालूम होगा तो अब मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आईडी हट गई है बिल्कुल, ठीक है। और अब यहाँ से हम क्लियर से ये हटा दे रहे, सारा कचरा हटा देंगे। अब चलते हैं ओला पार्टी पे, और ओला पार्टी में हम लोग चेक करते हैं। ब्रॉड में जाके आपको दिखाऊंगी बाकायदा कि डीपी का बैकग्राउंड रिमूव हुआ है या नहीं हुआ है, और लाइट जला के भी दिखाऊंगी आप लोगों को। बाकी बैकग्राउंड का सिस्टम ऐप ही, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐप डाउनलोड करो, मैं लास्ट में बता दूंगी उसका क्या सिस्टम है।
तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव हो गया। देखो आप लाइटिंग कर रही है, अभी मैं पिकमी लगा के आपको दिखाती हूँ। यहाँ तो देखिए मस्त लग रही है, कितनी मस्त झक्कास ललन टॉप डीपी लग रही है मेरी, ये मैं ही हूँ। तो दोस्तों आपको प्रोसेस समझ में आया या नहीं आया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं आपको यहाँ पे पिकमी लगा के दिखा देती हूँ, देखिए कैसे लाइट जलती है। अगर आपको भी अपनी डीपी के बैकग्राउंड में लाइट जलवाने वाली डीपी लगानी है, मतलब लाइटिंग वाली, तो इसी टाइप से लगाइएगा और जैसा जैसा मैंने प्रोसेस किया सेम वैसा ही करिएगा, तभी आपकी डीपी पर लाइट जलेगी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है लाइट, पिंक कलर की, मस्त लग रही है ना। तो दोस्तों ये लाइट बहुत अच्छी लगती है, हम लोग बोलते हैं ना तभी लाइटिंग वाइब्रेट होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी गूगल से बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं। तो यहाँ मैं सर्च कर लेती हूँ बैकग्राउंड रिमूवर, ये अपने ऑटोमेटिक आ जाता है। बैकग्राउंड रिमूवर को सर्च कर लेना गूगल पे, उसके बाद ये पहले ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर देना है और ये अपलोड इमेज का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अलाउ कर देना। इसके बाद हमारी गैलरी का सिस्टम आ जाएगा, जो भी आपको डीपी का, जिस भी डीपी का बैकग्राउंड हटाना है तो वही डीपी ले लीजिए। मुझे इस डीपी का हटाना है रॉकी की, तो यहाँ पे मैंने ये डीपी ले ली है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेसिंग होने में, यहाँ पे प्रोसेसिंग लेता है तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए डीपी शो कर गई है और अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, ऊपर प्रोसेसिंग चल रही है। तो यहाँ पे और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना ठीक है, और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे देखिए डीपी का बैकग्राउंड हट गया है, वाइट कलर का हो गया है टोटल। तो अगर आपको बिना ऐप के बैकग्राउंड रिमूवर करना है तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, किसी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं एक और डीपी का करती हूँ, यहाँ पे मैं अपनी डीपी का करती हूँ। यहाँ पे मैंने डीपी ले ली है और इसका भी करके दिखाती हूँ। वैसे इसमें ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं दे रखा, लेकिन थोड़ी सी लाइनिंग आ रही है ना पीछे ब्लू कलर की, तो ये सब हट जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। और वर्जन आपको यही डाउनलोड करने, दो वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी लाइटिंग वाली डीपी लगाने के लिए, बीपीएन 1111 फोर टाइम्स वन है और हैगो 1.2.3 आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस डीपी का भी बैकग्राउंड रिमूवर हो गया। तो यहाँ से डीपी को भी डाउनलोड कर लेना है, देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है ना। तो आप जिस डीपी का चाहो तो उस डीपी का बैकग्राउंड हटा सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड करते ही गैलरी में ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा दे रही हूँ, ओपन का ऑप्शन आ रहा है ऊपर। और यहाँ पे देखिए गैलरी में ही सेव भी हो गई है और बाकी इसका बैकग्राउंड वगैरह जो भी था ना रिमूव हो गया है। दोनों डीपी का मैंने किया है, आप देख सकते हैं। इसी टाइप से आप लोग भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।